दादा कैसे है दादा? बस बढ़िया बढ़िया दादा। तो पहले एक वीडियो आपका डाला था, बहुत रिस्पांस आया, इसीलिए और भी एक वीडियो करने आ गया हो। तो स्पेशली एक नया वैरायटी आप लॉन्च किया है, तो ये यहाँ पे आप भी फर्स्ट लॉन्च किया है शायद। हो सकता है। तो ये जो व्हाइट डायमंड पियारा है, गुआवा है, गुआवा वो इसके बारे में थोड़ा बताइए। दादा, ये आने वाला दिन ये वाला ही गुआवा, ये जो व्हाइट डायमंड गुआवा जो है ना, जो एक बार खाएगा, मैं तो सबको इनवाइट करूंगा कि आप 1 महीना बाद आके, मतलब आज मतलब आप जनवरी के लास्ट आके आप खा के जाइए। एक महीने में हाँ तो हाँ कंप्लीट हो नहीं, उसमें जाएगा। से फल पकड़ लिया, चलिए आपका वीडियो में वो दिखा देंगे, वो किस तरीके से फल होता है, किस तरीके से पकड़ लिया। वो छोटा प्लांट 4 महीना भी पूरा नहीं हुआ, पर ये तो ऑल टाइम है ये जो व्हाइट डायमंड पियारा की खासियत क्या है? दादा। ये एक तो मीठा और एक क्रिस्पी, दूसरा इसमें सीड नहीं है, सीड नहीं है। नहीं, और एकदम राउंड शेप की बनता है। तो ओके ऐसी अमरूद तो बहुत सारा खाने को मिलते हैं ना, लेकिन इसका इसका खासियत एक सीड नहीं है, दूसरा क्रिस्पी है, और तीसरा यह मीठा भी है, मीठा। एकदम एकदम अलग स्वाद का मिलेगा आपको। व्हाइट डायमंड क्यों बोल रहे हैं? ये व्हाइट कलर का ही है, पूरा व्हाइट भीतर कलर। अंदर पूरा एकदम व्हाइट ही है, काटते पूरा व्हाइट ही निकलेगा। एक्चुअली ये सब नाम व्हाइट डायमंड उसका नाम नहीं, व्हाइट सीडलेस गुआवा उसका नाम है, तो हमारे जैसे लोगों ने उसका नाम इसी तरह बना दिया। तो ठीक है। दादा, इस जो खेती में इतना जो व्हाइट डायमंड का जो पेड़ है, क्या रेडी हो रहा है? दादा ये तो अभी जितना बन रहे आपको लगभग 2,500 जैसे बनेगा, लेकिन वो ज्यादातर ये ज्यादा लेट नहीं होगा। दादा एक चीज बताइए, ये जो कितना दिन लगेगा ये रेडी होने में? ये 50 डेज लगता है दादा, 50 कितना दिन हुआ है अभी तक? अभी 10 दिन जैसा हुआ है। 10 दिन, 50 डेज में वो हाँ कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2-4 दिन 10 दिन रेस्ट में रख के इसके बाद सेल पर कर सेल हो पाएंगे। जाएगा। और वो इसमें फ्लावर कितना दिन में आ जाएगा? तो ऑल टाइम है, तो ये ऑल टाइम है। कोशिश करना था कि जल्दी से फल ना ले, पौधे को बना के इसके बाद फल कमर्शियल ले। पर्पस से होता है, कमर्शियल के लिए ये देखना आने वाला दिन कहाँ से कहाँ पहुंच क्योंकि जाए। क्योंकि ये जो ब्लैक रेड डायमंड जो पियारा था, गुआवा था, उसमें बोला था कमर्शियल पर्पस, लेकिन वो कमर्शियल में फ्लॉप नहीं, हो गया। जो भी जो कुछ भी खरीदे, चाहे हम भी क्यों ना खरीदे, लेकिन थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके खरीदना चाहिए। ठीक है। क्योंकि रेड डायमंड पियारा गुआवा जो है वो कमर्शियल चला नहीं। नहीं, उसके बारे में मैं इतना तक बोलने नहीं जाऊंगा, मैं जो सेल कर रहा हूँ मैं उसकी ऊपर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मैं दूसरी की ये चीज में। कमर्शियल पर्पस में। हाँ हाँ बेफिक्र हो, कि आप चाहे तो आप खुद चलो एक खेत में, दिखाएंगे आपको किस तरीके से हो रहे। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ व्हाइट गुआवा डायमंड गुआवा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा मदर प्लांट है। तो इसमें ये कौन सा बेर है? हाँ वो अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जाएगा, ये अगले साल मतलब अभी, टेस्टिंग के लिए? हाँ टेस्टिंग के लिए नहीं, ये टेस्ट ऑलरेडी हो गया, लेकिन आपको अभी 7-8 महीना तक इसका वेट करना पड़ेगा, तब इसका पौधा मिलेगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं, आप फलों के साथ प्रूफ देंगे, जिस तरह आपको व्हाइट डायमंड में दिया, ठीक उसी तरह ही आपको देखने को मिलेगा। और ये तो देखते हो बहुत सारे लॉन्गोन भी है आपके पास। हाँ हाँ वो तो है ही, और भी है। ये कौन सा लॉन्गोन है? ये पिंक वाला, मतलब ये पिंक वाला है, ये वाला गुट्टी कलम होता है। ठीक है। तो इसमें गुट्टी कलम बना है, इसमें जोड़ कलम नहीं बनेगा, ये व्हाइट जो एरोमा डुरियन बोलते हैं, एरोमा डुरियन ये तो तो वाला व्हाइट है। जामुन हुआ है, नहीं लंगन लंगन। एक कितना दिन में रेडी हो जाएगा? ये अभी तो एकदम छोटा है, अभी भी 1-1.5 महीना तो लगेगा ही इसका मोटा होते होते। ये छोटा सी स्वीट है, ये स्वीट है। और ये कि एक टाइम होता है ना? ये साल में 2 बार, मैंने जिससे जैसे देखा कि साल में 2 बार हो रहे हैं। 2 बार हो रहा है। इधर ये रूबी लंगन भी है। रूबी ठीक है। लंगन भी है। रूबी लंगन भी की 2 टाइम होता है? नहीं, ये वो एक टाइम ही, ये वाला एक टाइम ही, ये वाला एक हाँ। टाइम। पिंग पोंग इधर पीछे जो नॉर्मल जो पिंग पोंग है, उस साइड में ये वाला पिंग पोंग है। पिंग पोंग का वो पिंक वाला, वो नॉर्मल नॉर्मल पिंग पोंग, ऐसे काल पत्ता देख के कैसे हाँ हाँ पत्ता देख के आपको भी अंदाजा लग जाएगा उसका पत्ता किस तरीके से है, इसका पत्ता किस तरीके से है। ये कौन सा बोला? पिंग पोंग। पिंग पोंग, पिंग पोंग। तो देख लीजिए पिंग पोंग का जो पत्ता है, पत्ता कैसे है। और ये वाला, ये वाला एरोमा डुरियन, उधर उधर और एक पिंक है, वो पिंक वाला। हाँ ओके। पूरा क्या पिंक हो जाएगा कलर? नहीं इतना भी हमारा हॉट वेदर में इतना भी पिंक नहीं होता जितना बोलते हैं कि पूरा पिंक कलर में होता है। नहीं, ये इतना नहीं होता है। और ये कौन सा जामुन है?
ये ऐसी रेड लॉन्ग वाटर है, ये सब सैंपल ठीक है, ये वाला वो वाला सैंपल जब तक ना बने तब तक बोलना मुश्किल है। ओके, ये वाला यहाँ पर भी मतलब हम लोग जो गमले में लेके जाना पसंद करते हैं ठीक है, रेड सूर्यनम, हाँ रेड सूर्यनम चेरी, ब्लैक सूर्यनम चेरी, ब्लू अमेरिकन ब्लूबेरी, कौन सा ये अमेरिकन ब्लूबेरी है, हाँ हाँ हाँ, ये जामुन वगैरह ठीक है, एबियू मनीला चेरी, इसी तरीके कम से कम 300 के आसपास वैरायटी गमले में भी लगा के रखा है ठीक, कस्टमर चाहे तो इस हालत में भी, हाँ नर्सरी कोई भी नर्सरी भाई भी अगर चाहे तो ऐसे में इसको, ऐसे भी बहुत सारे लोग लेता है, हाँ हाँ हाँ, इसको लेके फिर दिखा सकते हैं, नहीं वो दूसरा स्टिकर है, वो दूसरा स्टिकर है। ओके, ये इसमें तो फ्रूट कितना, हाँ सब अगले साल दे देगा, अगले साल एक क्या इसका फ्रूट आने का टाइम कब है, इसी तरह मतलब ठंड के मौसम खत्म होते ही तब इसमें फल देना शुरू, फल देना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, वेरिकेटेड मालदा है, हाँ वेरिकेटेड, हाँ वेरिकेटेड मौसमी, उधर लॉन्ग चीकू वगैरह सब कुछ, इधर जाबोटिका बा रेड पाती लेमन, आपने बोला था कि जाबोटिका, इसमें जाबोटिका नहीं वो दूसरा है मेरा और भी है, है प्लांट, क्योंकि शायद इस वेदर में जाबोटिका बहुत बढ़िया बन रहे हैं हमारे वेदर में, बहुत बढ़िया, हाँ बेफिक्र होके लगा सकते हो हॉट वेदर वाला। तो एक्चुअली जाबोटिका प्लांट का बहुत कॉस्टली है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उसमें फल नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वैरायटी अच्छा खरीदना चाहिए ना, इसीलिए अच्छा, आप आके एक महीना बाद आके खाते खाते आप एक वीडियो बना देना इसीलिए हाँ, वो मेरा वो जो वैरायटी है वो मुझे तो लगता है कि मतलब 6 महीना तक लगातार फल देगा, 6 महीना तक वो तो देते ही जा रहे, 4 महीना हो गया फिर तो फूल निकल आया उसमें। ओके तो दादा के साथ और एक बागीचा में आ गया हूँ, दादा ये कौन सा बागीचा है, थोड़ा जो व्हाइट डायमंड का जो मतलब एक खेत मैंने बोला ना आपको कि रखा है सिर्फ सबको खिलाने के लिए, किसान भाइयों के लिए ठीक है, जो इसका खेती कर गया उनके लिए ठीक है, तो आके खाना जरूरी है इसको, इसके बाद एकदम जो भी हो इसमें, ये देखिए अभी 4 महीना पूरा नहीं हुआ ये पौधा, ओके हाँ आप एक बार नजर बुला लीजिए इसमें किस हिसाब से फल आ रहे है, एक बार देखिए एक एक में किस हिसाब से फल आ रही है एक बार देखिए ठीक है, तो भी मैंने आधा करके तो तोड़ के रखा, नहीं तो मर जाएगा यार इतना अगर फल आए तो, ये तो सही है, बहुत सारा ये देखिए किस हिसाब से इसमें सब फल आ रहे हैं, ये सब तो जो फ्लावर खिला है वो सब, हाँ हाँ सब आ जाएगा, ये सब थोड़ा बहुत अभी इसमें से आधा इधर से तोड़ दिया, दिखाई दे रहे आपको, हाँ अभी थोड़ा बहुत रखा है, एक कितना दिन में मैच्योरिटी आ जाएगा, 1 महीना बाद आके आप बिंदास खा सकते हो, 1 महीना बाद 1 महीना बाद थोड़ा बहुत आपको खाने को भी, इसमें कम से कम 87 kg तक हम फल रखेंगे, सबको एक एक पीस करके भी अगर खिला सके ना। ओके, इसमें क्या क्या पौधा तैयार करना है इसमें से, हाँ पौधा बाद में पहले इस बार खिला के, एक बार खिला के सबको, हाँ। खिला देने के बाद, हाँ 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 एक बार ये 1 महीना बाद बना के, पौधा तो बहुत सारा बन रहे उधर आपको तो दिखाया ठीक है, 2,250 इसमें भी शायद 2,250 बनता, लेकिन हमने 87 kg तक रखेंगे इसमें फल, बाकी तोड़ के फेंक देंगे, देखिए सबको खिलाना है इस बार, काफी सारा लोगों को मैंने इनवाइट किया, किसान भाइयों को बहुत सारा आने की कहेंगे हम कि आके आप खुद खा के आप देखिए कि अभी पूरा देश में इसी तरह कोई वैरायटी मिलता है कि नहीं। ओके है, हर जो ब्रांच है ब्रांच में एक ब्रांच में मिनिमम 5-6 तो है फल ज्यादा पकड़ हुआ वो तो बात आप मतलब बाद में, लेकिन खाने में कैसा होता है आप एक बार तो इसको देखिए पहले, खाने में आप देखने के लिए, हाँ हाँ ये इतना कीमत क्यों है इसका भी तो जानना चाहिए ना, एकदम खाके तब पता चलेगा कि इसका कीमत इतना क्यों है। देखिए और इधर ये जो कारा कारा नेबल जो मौसम्बी है ये उसका मदर प्लांट है, ये एक लॉट लेके अभी ग्राफ्टिंग किया गया ऑलरेडी ठीक है, कारा ये भी तो थोड़ा कॉस्टली, एकदम कॉस्टली, अगर पहले थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन किसान भाइयों को ये सब वैरायटी छोड़ना ही नहीं, और आप कृपा 2-2.5 महीना बाद आके कारा कारा नेबल खा के उसका कलर कैसा होता है, किस तरीके से फ्रूट आता है, आप उसका वीडियो बना के एक बार देख लेना। और दादा ये जो कारा कारा है, कारा कारा पौधा का जो फ्रूट आता है साल में क्या एक बार ही आएगा, हाँ हाँ एक बार ही दो बार नहीं, एक बार ही नहीं, लेकिन थोड़ा अप डाउन होके फल आता है, लगेगा कि आपको दो बार फल देने, ऐसा नहीं 6-8 महीना तक इसमें फल रहेगा, 6-8 महीना तक, हाँ हाँ हाँ। पकने के बाद कितना दिन रह सकता है, हाँ बिंदास रखो, इसका तो बाहर का कलर नहीं है ना,
वाला ग्रीन और हरा मिक्स, ग्रीन और येलो मिक्स होता है और अंदर एकदम फुल रेड। ओके, पूरा रेड हो जाएगा, एकदम फुल रेड आ रहा है, ऐसे ही मीठा है उसका। और कितना नेक्स्ट टाइम कितना जो पौधा तैयार करना चाहता है इस काराकारा का? हाँ अभी अभी तीन साढ़े तीन हजार जैसा तैयार हो रहे है, ठीक है, दो ढाई महीना बाद पौधा इसका मिलना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे फल खिला के तब पौधा सेल करना शुरू करेंगे। ओके। खास करके नर्सरी भाइयों को और किसान भाइयों को मैं कहूंगा ये सब वैरायटी के ऊपर आगे बढ़े। टाइम आने में दो महीना, आज से दो महीना बाद आके, अभी तो कोई मतलब तो मार्च, तो मार्च, मार्च के एंड टाइम नहीं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब होगा कब? अभी तो नहीं, ये मदर प्लांट डिस्कवर भी है अलग से, इसमें से तो काट के बनाया जाता है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अलग से है और भी। ओके, उस प्लांट से हाँ, उस टाइम पे उसमें से दिखा देना। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई फ्लावर ही नहीं है, कैसे? नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा ये तो यहाँ से सिर्फ ग्राफ्टिंग करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो दादा एक बार बता दीजिए आपका जो नर्सरी में कैसे आएगा और कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा बता दीजिए एक बार। दादा ये देखिए, अगर आप ट्रेन से आओगे ना तो सियालदह होके आने से आपको शायद एक घंटे से भी ज्यादा लग जाएगा। ओके। और तो भी बनगा लोकल पकड़ के आप हावड़ा या मसलंदपुर कोई भी एक स्टेशन पे उतर के वही से ऑटो पकड़ लेना है आपको, चकला मंदिर बोल के, और एकदम मंदिर के बगल में ही हमारा नर्सरी है। ओके, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 8420212034। ओके, तो आज यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वालिटी का पौधा का वैरायटी आप लोगों को पास लेके आऊँगा। तो नमस्कार, और जिसको इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके थोड़ा कमेंट करके बताइए कैसे लगा, और कोई रिव्यू देना चाहता है तो वो भी दे सकते हैं। तो आज यही ख़त्म कर रहा हूँ।